आठ बनना गर्व की बात है। मैं जब कभी भी आपके एक कार्यक्रम में शरीक होता हूँ तो सचमुच में भाव विभोर हो जाता हूँ, भावनाएं प्रबल हो जाती है। आपके इस आयोजन से वैशाली जिले को एक नई पहचान मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इस जिले के कैडेट्स ने अपनी नई पहचान बनाकर जिले को गौरवान्वित किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। और इस जिले में जितनी भी सामाजिक गतिविधियां होती है, प्रशासनिक स्तर पर जो गतिविधियां होती है, आयोजन होता है, सभी अवसर पर मैंने देखा है कि हमारे स्काउट्स के छात्र एवं छात्राएं आगे आकर इस कार्यक्रम को ऑन किया है और उसके संचालन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। मैं अपनी तरफ से आप सबों को अपना सैल्यूट देता हूं। और एक बात कि मैं पहले भी आप लोगों से कहा था कि जो शैक्षिक गतिविधियां हम लोग संचालित करते हैं उसके क्रम में कहीं ना कहीं सह शैक्षिक गतिविधियां इग्नोर होती है, जबकि सह शैक्षिक गतिविधियों का भी उतना ही महत्व है, या फिर कह लें कि आज के डेट में ज्यादा महत्व है। हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर होता है, हर के अंदर अपनी अलग अलग प्रतिभाएं होती है। कोई मैथ का मास्टर होता है, कोई साइंस का मास्टर होता है, कोई ह्यूमैनिटीज के पेपर का मास्टर होता है, कोई डांस का मास्टर होता है, तो कोई स्पोर्ट्स में मास्टर होता है। इस तरह के आयोजन से हम बच्चों के अंदर की जो प्रतिभाएं होती है उसको उभारने का प्रयत्न करते हैं। और वैशाली जिला स्काउट्स गाइड के तरफ से एक अच्छा मंच यहाँ के बच्चों को प्राप्त हुआ है और इसके लिए जो भी स्काउट गाइड के शिक्षक हैं, छात्र के साथ साथ वो भी बधाई के पात्र हैं। क्लैप्स को। पढ़ाई लिखाई के माध्यम से अपना करियर निर्माण करना एक अलग बात है, उसके साथ साथ ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। आजकल हम अक्सर मूल्य आधारित शिक्षाओं में आय ह्रास की बात करते हैं। स्काउट और गाइड के प्रशिक्षण लेने के उपरांत बच्चों में न केवल अनुशासन की भावना प्रबल होती है बल्कि चरित्र निर्माण के दिशा में उन्हें सहयोग मिलता है और अंततः वो देश के सर्वांगीण नागरिक के रूप में विकसित होने में ये काफी सहायक होता है और चरित्र निर्माण की दिशा में ये काफी सहायक होता है। और हम जानते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण के उपरांत अपने आत्मचरित्र के निर्माण के उपरांत ही किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है और कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय चरित्र की अनदेखी करके विकसित नहीं हो सकता है। तो हम पुनः एक बार इतने अच्छे आयोजन के लिए पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं और तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह आयोजन करें, जीवन में आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सबों के साथ। धन्यवाद।